अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। आज का अमल, परी मोकिल को देखने का ख़ास अमल। परी मोकिल को कैद ना करें, उनसे मोहब्बत रखें, उन्स रखें और एक दोस्तों की तरह, एक अपनी फैमिली की तरह अगर रहें तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक तो वो आपकी मदद करते हैं, आपकी परेशानी ख़त्म करते हैं, आपके कोई दुख तकलीफ़ हो वो अपने ऊपर ले लेते हैं और वो आपसे बेहिसाब मोहब्बत रखते हैं। ठीक है, और जादू, काला इलम, जिन्नात, शयातीन, इनसे दूर रहें, तावीज़ गंडों से दूर रहें। नक्श का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये 786 का नक्श है, नक्श का इस्तेमाल करें। अल्लाह के कलाम के दिए हुए हिंसों का इस्तेमाल करें तो ये बाबरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जादू करने वाला है वो हम में से नहीं है, ईमान से वो खारिज है। ठीक है, तो जादू जिन्नात से दूर रहें। बेजा खौफ, एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगी। जिन लोगों के ऊपर जादू होता है ना, उनकी वाजिया पहचान सबसे पहले ये होती है कि वो बिला वजह खौफ सदा रहते हैं। कभी उनके हाथ कांपते हैं, कभी वो डरे होते हैं, कभी उनकी आंखें फैली होती हैं, कभी उनकी आंखें सफ़ेद होती हैं, चेहरा जब भी कोई परेशानी आए तो पीला जर्द हो जाता है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं और अक्सर वक़्त जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है वो उस शख्स की है जिस पर बहुत सख्त जादू हो। मगरिब के टाइम उसकी हालत ख़राब होना या असर के टाइम हालत ख़राब होना, ये भी वाजिया करता है कि इसके ऊपर किस कदर जादू किया गया। आज इसी का अमल हम सीखते हैं, परी और मोकिल, अमलियात का ख़ास तरीका कि परी मोकिल को देखने का काजल कैसे बनाया जाए। नौचंदी द्वार, नए चांद की जो पहली द्वार आएगी वो नौचंदी द्वार कहलाएगी। ठीक है, दुरूद पाक एक बार, बिस्मिल्लाह 33 बार बिस्मिल्लाह को पढ़ना है आपने। ठीक है, और नमाज की इसमें पाबंदी करनी है, तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको परी मोकिल को देखने का अमल, बातनी आँख को देखने का अमल बता रही हूँ। आपने क्या करना है, ये काजल इतवार के दिन सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान तैयार करना है। जैतून का तेल लें, चंबेली का तेल, जैतून का तेल, दोनों को लें। इनको तेल को किसी दिए में या किसी भी बर्तन में डालकर इसका काजल बना लें। काजल कैसे बनाया जाता है, जब आप दिए को जलाएंगे या जब ये तेल जलेगा तो जो इसका धुआं होगा वही काजल है। ठीक है, जब आप काजल बना लें, ये नक्श, इसके बारे में मैं बाद में आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये आपने काजल बना लेना है। अब आपने क्या करना है, मगरिब असर का वक़्त जब होगा ना, असर की नमाज पढ़ें। नमाज करने पढ़ने के बाद ना आप जाय नमाज पर बैठे रहें। बैठे रहने के बाद आपने क्या करना है, जब आप जाय नमाज पर बैठेंगे ना तो प्यारे बहन भाइयों, आपने बिस्मिल्लाह का विर्द शुरू करना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 33 मरतबा बिस्मिल्लाह। अब आपने आंखों के अंदर ये काजल लगाकर बिस्मिल्लाह जब पढ़ना शुरू करनी तो फिर आंख नहीं खोलनी, आंखें बंद रखिएगा। जो भी वहां पर मुसलमान आपके घर के पास मगरिब के टाइम, जो भी अल्लाह के नेक बंदे, जो भी जैसे परी मोकिल गुजरते हैं, वो आपको नजर आएंगे, गुजरते हुए नजर आएंगे, उड़ते हुए नजर आएंगे, गुजरते हुए हवा की तरह ना गुजरते हुए नजर आएंगे, वही होंगे जो बिस्मिल्लाह के होंगे और आपको कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। अगर वो आपके घर में दाखिल होते हैं तो यकीन मानिए आपका घर बाबरकत, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा, रिस्क, दौलत, हर चीज आपके घर में जरूर आएगी। अब आपने जब ये परी मोकिल को देख लिया तो फिर आपने अरके गुलाब से आंखें धो लेनी है। थोड़ा सा अरके गुलाब अपनी आंखों में डाली, आंखें साफ हो जाएंगी, काजल साफ हो जाएगा, नहीं तो लगा रहेगा तो अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि और भी रूहानियत इंसान की बातनी आंख थर्ड आई ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तो फिर इस वजह से फिर मुश्किल होती है आपके लिए। ये तमाम वीडियो सिर्फ जो बहुत शौक रखते हैं ना अमलियात का, उनके लिए बताई जा रही है। अब ये अमल पहले दिन अगर असर नहीं करता तो दूसरे दिन करे, तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये असर से बातनी आंख का जो मसला है वो ओपन आई हो जाता है, आपकी आंख बातनी आंख खुल जाती है, आपकी रूहानियत अच्छी हो जाती है। अब ये नक्श आपने अपनी पॉकेट में रखना है, अपनी बाजू पे बांधना है। जिन लोगों को जादू है, जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि कपकपी हो जाती है, वो ये नक्श अपने पास रखें। दौलत, इज्जत, पैसा, रुतबा, मर्तबा इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ा रहेगा, कभी फाकाकशी नहीं होगी। रूहानियत तो आपकी तेज़ होगी, यानी आप परी मोकिल को तो देख सकेंगे। इस नक्श का एक फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप फिर भूखे नहीं सोएंगे, परी मोकिल हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे 33 मरतबा, वो हाजिर हो जाया करेंगे। काजल भी ना लगाएं बेशक, लेकिन वो हाजिर हो जाएंगे। काजल को छुपा कर रखें, बच्चों से दूर रखें, बच्चों की रूहानियत बहुत तेज़ होती है, तो इस चीज़ से जो उनसा है परहेज़ कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तमाम अमलियात जो उनसे हैं मदरसा फातिमा ज़हरा की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो लोगों को भी बताएं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकल्लाह।